हेलो फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है आज के व्लॉग में। और अभी हम लोग हैं एक लिफ्ट में और अभी व्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सो अभी के सारे बैचेस तो फिनिश हो गए हैं, तो अब चलते हैं इधर बाहर और बाहर में आपको दिखाएंगे कि भी कैसे कैसा माहौल है। इसको थोड़ा अभी उजाला बचा हुआ है तो थोड़ा मोटो व्लॉग करने को मिल जाएगा। सो मोटो व्लॉग बाहर करेंगे और आपको दिखाएंगे बाहर की दुनिया। सो लेट्स गो। तो दोस्तों आ चुके हैं बाहर और अभी निकलते हैं सीधा बाइक पे, और बाइक हमारी सामने खड़ी है, ये रही अपनी बाइक। सो फटाफट बाइक पर बैठते हैं और बनाते हैं थोड़ा मोटो व्लॉग, ठीक है। तो मिलते हैं सीधा मोटो व्लॉग में। हेलो एवरीबॉडी, सो आ गए हैं फाइनली हम मोटो व्लॉगिंग करने के लिए। सारे बैचेस हो चुके हैं ख़त्म, 7:20 हो रहे हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं, भले ही देरी से आए लेकिन आए तो। एक्चुअली क्या हुआ ना, आज का थोड़ा शेड्यूल इतना टाइट नहीं था, फिर भी मतलब नॉर्मल ही था, लेकिन बीच में ना मतलब वो नहीं हुआ, मूड नहीं हुआ बनाने का। और अभी क्या है, पूरा फुल मूड कर रहा था मतलब व्लॉग बनाने का, इसलिए थोड़ा लेट से ही आए, लेकिन अच्छा व्लॉग मिलेगा आप लोगों को आज। सो अभी जा रहे हैं घर को, आज भी लेना है हमको बीच रास्ते में दूध, वो तो लेंगे ही, और देखेंगे आज क्या है। आज थर्सडे है, थर्सडे है, हाँ। पूछेंगे मम्मी से बीच में अगर कुछ चिकन विकन का लेना होगा तो देख लेंगे जैसा मम्मी बोलेंगी। और अभी यहाँ से मुड़ना है अपन को इधर, अब लाइट हो गई, शिट, ये बड़ा घाटा है यार, बड़ा दुख होता है पता है, जब निकलते निकलते एन मोमेंट पे कभी अगर अडेट हो जाए बहुत दुख होता है रियली। ये क्या करें, कोई बात नहीं, ये सब बनाए भी तो क्या है, हमारी सेफ्टी के लिए ना इतना चलता है। और वैसे ना ये अच्छी बात है कि ये बहुत ही कम देर का होता है, मतलब मुश्किल से 20 सेकंड का, और देखो खुल गया। चलो बड़ू रे बबुआ कैला कहना कहनी रे, पूरा ना नोएडा की मुझे मिले बड़ी अच्छी लगती है वाली बात। यहाँ पर रोड बड़े ही छोटे छोटे हैं, मतलब बहुत ही छोटे छोटे रोड, तो आराम से मतलब ट्रैवल करके हम लोग बहुत जाते हैं, मतलब जैसे यहाँ का आप लगा लीजिए कि 30 किलोमीटर और दिल्ली का 30 किलोमीटर, मतलब जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पर क्या रोड चौड़े हैं, लंबे लंबे हैं, तो मजे से बाइक उड़ती है। और अच्छा एक बात जनूब, आप लोग गौर कीजिए, लगता है वीडियो में कि बाइक तेज चला रहा हूँ, बट बाइक में चलाता हूँ स्लो ही हूँ, बट बाइक में लगता होगा कि आपको लोगों को तेज चल रही है काफ़ी, बट नहीं, अभी भी स्पीड बहुत कम है, बट एज अ क्योंकि इसमें क्या है ना, स्टेबलाइजेशन अच्छी है इस कैमरे में, तो आपको लगता है इफेक्ट से बहुत स्पीड बाइक चल रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर ज़्यादा स्पीड होगी तो आपको वॉइस नहीं सुनाई देगी क्लियर, है ना, मतलब मेरी एडवाइज़र ने मुझको बोला कि उनको लगता है कि मैं काफ़ी तेज़ ड्राइव कर रहा हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्लो ड्राइव करते हैं भाई, बिल्कुल स्लो ड्राइव करते हैं। काफ़ी शाम हो, कितना अच्छा मौसम हो गया, मतलब बिल्कुल सब्जी। वैसे पता है मुझे इस टाइम की एक ख़राब बात लगती है कि बहुत मतलब कितना भी फास्ट निकलो, लेकिन ये होता है ऑफिशियल टाइम, पीक टाइम जिसको बोलते हैं, सभी ऑफिस की छुट्टियाँ ये सब, मतलब कितना भी चला लो फास्ट, कितना भी चला लो फास्ट, जबकि है 30 किलोमीटर ही, बट इसको ट्रैवल करने के लिए मुझे लगेगा अभी कम से कम 2 घंटा। और अभी मैं जब निकला था, जब घर आया, घर से यहाँ पर आया था, तब मैं पहुँचा हूँ मुश्किल से 50 या 55 मिनट में पहुँच गया हूँ, मतलब 3:37 में मुझे याद है कि मैं घर से निकला था, और 4:30 to 4:35 तक जो है मैं आराम से ट्यूशन जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ पे अंदर था, जबकि अंदर जहाँ मैं पढ़ाता हूँ ना वहाँ पे जाने के लिए आपको एंट्रेंस पे मतलब रुकना पड़ता है, तो कम से कम आपके 5 मिनट वहाँ पे वेस्ट होते हैं। सो आप लगा लीजिए मतलब मैं 50 मिनट में प्रॉपरली घर के अंदर पहुँचा हूँ, तो और उस सेम रास्ते में जाने के लिए भी लगे हैं 2 घंटे, डबल टाइम। तो बस मुझे ये बात थोड़ी ख़राब लगती है, तो इसलिए मैं अभी सोच रहा हूँ कि एक और बैच मुझे मिल जाए इवनिंग का, क्योंकि दिल्ली में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दिल्ली में तो अपना सेंटर है सर वाला सेंटर वहाँ पे है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम होम ट्यूशन ले, अभी ऑनलाइन ट्यूशन ले लेते हैं, बट यहाँ पर सेंटर तो हमारे पास है नहीं, तो इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम, टाइम वेस्ट होता है, बिकॉज मेरे काम का भी अपना पीक आवर होता है ये वाला, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि ये टाइम बिल्कुल वेस्ट हो। कोई बात नहीं यार, जैसा भी चल रहा है ऐसा चल रहा है, ज़्यादा लालची वाला भी ठीक नहीं है, जितना हो रहा है भगवान की कृपा से उतना ही मैं खुश रहूँ, कोशिश करते रहो, एफर्ट डालते रहो, अच्छा करो, तो मुझे इससे खुशी है, चलो अच्छा कर रहा हूँ मैं, दैट इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज मेरे सारे जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं सारे खुश हैं, उनके पेरेंट्स खुश हैं, तो उससे ज़्यादा अच्छी बात मेरे लिए क्या होगी। और बिकॉज आई एम ट्राइंग टू गिव माई 100%, मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना 100% दूँ, और जितना उसके लिए पॉसिबल हो रहा है मैं कर रहा हूँ, सो दैट इज़ अ गुड थिंग, इसीलिए आप अच्छा करो तो आपका अच्छा ही होगा। मेरी दुआ है तेरा हुआ हो का साफला है, मेरा दिल मेरी जान
कैसा हुआ कैसा हुआ। ओहो वैसे पता है शाम तो काफ़ी होने वाली है, और लेकिन अभी हम पूरा यहाँ पे व्लॉग एंड नहीं करेंगे, अभी कुछ देर के बाद मतलब व्लॉग को यहाँ पे एंड कर देंगे, और घर में जो हमें शॉर्ट्स शूट करने हैं आज उसको शूट करते करते जो है वीडियो बनाएंगे, ठीक है। सो यही सब आज का मतलब एक तरह से रूटीन कह सकते हैं, थोड़ा सा ना रुक के मैं शूट कर ही लेता हूँ। सो अब देखिए दोस्तों कुछ ऐसा करके मैं शूट करता हूँ, मतलब ये रहा हमारा ईयर पीस और ये रहा बैग, बैग के अंदर वायर लगी हुई है और इसकी रिकॉर्डिंग जो है मतलब फ़ोन में हो रही है, तो कुछ ऐसे करके हम लोग शूट करते हैं। चश्मा लगा रखा है बिकॉज धूप आती है, धूल आती है आँखों में और धूप के वजह से लगाते हैं। सो अभी कर रहे हैं मोटो व्लॉगिंग को बंद और अभी चलते हैं सीधा, अभी इसको रखो बैग में कैमरे को और घर में डायरेक्ट शूट करेंगे। तो काफ़ी मतलब अच्छा यहाँ पे माहौल है, वैसे इतना शाम हुई नहीं है पर चश्मे में थोड़ा ज़्यादा शाम लग रही है। तो ठीक है, तो अभी रखते हैं सब कुछ बैग के अंदर और चलते हैं सीधा घर को, ठीक है। तो मिलते हैं सीधा आपसे घर में। तो फ्रेंड घर तो मैं आ गया था, फिर एक स्विच चेंज कर रहा था, देखा हुआ आपने अभी टाइम लैप्स, और अभी जो शॉर्ट्स में बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ कुछ नॉलेज वाला, जैसे भी 10th एंड 12th रिजल्ट आने वाले हैं, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से एग्जाम तो हुए नहीं है, तो रिजल्ट कैसे आ रहा है तो CBSE ने मतलब इसका सर्कुलर निकाला है, वही पढ़ रहा था अभी, तो उसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ। और दूसरा बना रहा हूँ कि जो हमारे घर में गैस यूज होता है LPG गैस, उसमें बदबू आती है मतलब गैस की, तो वो कौन सी बदबू होती है, तो उसके बारे में कुछ फैक्ट है वो सब वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी आप लोग एंजॉय कीजिए इनका टाइम लैप्स, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों शूटिंग भी डन हो चुकी है, शॉर्ट्स मैंने बना लिए हैं और अभी बज रहे हैं रात के 11:15 और हमको 12 बजे से पहले ये दोनों शॉर्ट्स बना के अपलोड कर देना है। सो हमारा शॉर्ट भी रेडी हो चुका है, व्लॉग भी रेडी हो चुका है, तो आशा करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग देखने में मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना, हम लोगों ने चैलेंज लिया हुआ है 100 दिनों में 100 व्लॉग डालने का, और काफ़ी अच्छा हमारी वीडियोज़ चल भी रही हैं, तो आप लोग इसी तरह वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।